नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के बाद भारत सरकार ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों को पूरी आजादी दे दी है। सरकार ने एलएसी पर नियमों में बदलाव भी किया है। एलएसी पर चीनी सैनिकों के किसी दुस्साहस का जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने नियम बदल दिए हैं। नए नियम के तहत सेना के फील्ड कमांडरों को यह अधिकार दिया गया है कि वो विशेष परिस्थितियों में हथियारों के इस्तेमाल का इजाजत दे सकते हैं। कमांडर सैनिकों को दुश्मनों के दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की इजाजत दे सकेंगे। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि दोनों पक्षों की सेनाएं 1996 और 2005 में एक द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार टकराव के दौरान हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है। उन्होंने जवाब में कहा था, 15 जून को गलवान में हुई हिंसक झड़प के दौरान भारतीय जवानों ने इसलिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। चीन के साथ सीमा पर तनाव बढ़ने के मद्देनजर सरकार ने हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए सेना के तीनों अंगों को 500 करोड़ रुपए तक की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि सेना के तीनों अंगों में थल सेना, वायु सेना और नौसेना आते हैं। सूत्रों ने बताया कि विशेष वित्तीय शक्तियां बलों को एलएसी पर अपने अभियान तैयारियों को बढ़ाने के लिए बहुत कम समय में हथियार और सैन्य साजो सामान की खरीद के लिए दी गई हैं। बता दें कि 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद भारत ने चीन से लगती सीमा पर अग्रिम इलाकों में लड़ाकू विमानों और हजारों की संख्या में अतिरिक्त सैनिकों को पहले ही तैनात कर दिया है। गलवान घाटी में हिंसा 45 वर्षों में सीमा पर संघर्ष की यह सबसे बड़ी घटना है और इससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। लद्दाख बॉर्डर की गलवान घाटी में धोखे से की गई हिंसा का जवाब चीन को मिलता जा रहा है। भारत लगातार ड्रैगन चीन को आर्थिक झटके दे रहा है। बीएसएनएल रेलवे के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये तीनों प्रोजेक्ट कुल मिलाकर 5,000 करोड़ के थे। गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद होने के बाद से देशवासियों में चीन के प्रति गुस्सा है। लोकल स्तर पर चीन के सामान के बहिष्कार की मांग तेज होती जा रही है। इसी बीच केंद्र और राज्य सरकारें भी चीन को आर्थिक झटके दे रही हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने चीन के 3 प्रोजेक्टों को रोक दिया है। चीन को 3रा झटका महाराष्ट्र सरकार से मिला है। वाउतो सरकार ने चीनी कंपनियों के साथ साइन 3 एग्रीमेंट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये 3 प्रोजेक्ट करीब 5,000 करोड़ के थे। इन्हें हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 इन्वेस्टर समिट में साइन किया गया था। ये एग्रीमेंट गलवान हिंसा से पहले साइन हुए थे। केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दे दी गई है। विदेश मंत्रालय ने फिलहाल चीन के साथ कोई और एग्रीमेंट साइन नहीं करने की सलाह दी है। साइन प्रोजेक्टों में पहला ग्रेट वॉल मोटर्स का था। 3,770 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में पुणे के पास ऑटोमोबाइल प्लांट लगना था। दूसरा प्रोजेक्ट पीएमआई इलेक्ट्रोमोबिलिटी और फोटोन चाइना का था। इसमें 1,000 करोड़ रुपए में यूनिट लगनी थी। तीसरा प्रोजेक्ट हिंगली इंजीनियरिंग का था। इसमें 250 करोड़ का निवेश था। गलवान में झड़प के तत्काल बाद रेलवे ने भी चीनी कंपनी का ठेका रद्द कर दिया था। यह प्रोजेक्ट करीब 417 करोड़ का था। ये चीनी कंपनी बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के पास था। इसमें कानपुर और मुगलसराय के बीच 417 किलोमीटर लंबे खंड पर सिग्नल और दूर संचार का काम होना था। रेलवे ने कहा कि ठेका काम की स्लो स्पीड की वजह से रद्द किया जा रहा है। वैसे चीन की बॉर्डर पर की गई गुस्ताखी का जवाब सबसे पहले बीएसएनएल से मिला। इसमें भारत सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनियों से किसी भी चीनी कंपनी के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल न करने को कहा है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया। इससे चीन को करीब 3,000 करोड़ का नुकसान होगा। उधर केंद्र सरकार ने इंडस्ट्रीज से विदेशों खासकर चीन से आने वाले सामानों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है। इसका मकसद चीन से आने वाले घटिया सामान के आयात को रोकना और घरेलू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।